हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टिकेन टूल्स। स्वागत है आपका टिकेन टूल्स में, और साथ ही साथ कनाटेट प्रश्न कीजिए सीरीज चल रही है उसमें भी। आज हम इस सीरीज की 7वीं वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी स्ट्रिंग को, जैसे कि मेरा नाम है VIVEK, तो इसमें कुछ पार्ट को अगर अलग करना है तो उसको कैसे निकालेंगे हम, और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्लाइसिंग। तो बेसिकली हम लोग क्या सीखने वाले हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या होता है। और आज मैं नया लैपटॉप लिया हूँ, तो लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ, मोबाइल वाला छोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो लैपटॉप की जो आइडिया ली होती है उसके थ्रू आज वीडियो बनाएंगे। ओके, तो देखिए एक्सपीरियंस कैसा है आपका। देखिए स्लाइसिंग मतलब समझ गया ना, जैसे मान लीजिए विवेक लिखा हुआ, जैसे ए इजिकल टू, ठीक है, और स्ट्रिंग क्या लिखे हैं, VIVEK विवेक। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ए के अंदर चला गया। अब हम चाहते हैं इसका कुछ पार्ट, जैसे कि VIV केवल इतना ही निकाल लें, या फिर हम चाहते हैं ई के जो है उसको स्लाइस करके निकाल लें। तो उस पार्ट को जो स्लाइसिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। देखिए पहले ही हम बता चुके हैं कि इंडेक्सिंग जो होती है स्ट्रिंग की, जैसे कि वी है 0 पोजिशन पे, आई है 1 पोजिशन पे, फिर भी है 3 2 पोजिशन पे, ई जो है किस पोजिशन पे है, ई आपका ये थर्ड पोजीशन पे, और के फोर्थ पोजीशन पे, यानी टोटल 5 अक्षर का है ये। और क्योंकि इंडेक्सिंग नीचे से अगर देखा जाए तो 0 से शुरू होती है, इसलिए पहला अक्षर 0 पे होगा, दूसरा 1 पे होगा, तीसरा 2 पे होगा, चौथा 3 पे होगा, और पांचवा 4 पे होगा। समझ में आया। और ऊपर की तरफ उल्टी, पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, जब मैंने स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग बता रहा था उस समय मैंने बता दिया है कि कैसे इसकी नंबरिंग होती है। जैसे नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि ये जो भी है, ये वाला जो भी पोजीशन है, ठीक है, ये हाईलाइटेड जो है भी, ये पहला वाला भी अगर इसका पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखा जाए तो क्या है, 0 पोजिशन पे है। अगर निगेटिव इंडेक्शन देखा जाए तो ये -5 पोजिशन पे है। पॉजिटिव इंडेक्स 0 से शुरू होकर के लेंथ के एक कम तक जाता है, और निगेटिव इंडेक्स, और साथ ही साथ पॉजिटिव इंडेक्स क्या होता है, 0 से शुरू होकर के लेंथ के कम तक तो जाता ही जाता है, वो लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड चलेगा, लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ। ठीक है, क्लियर। अब पता नहीं मिररिंग हो रहा तो किस तरफ से लेफ्ट राइट है। देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा आपको, इधर से यानी वी से शुरू किया जाए तो वी 0 पे होगा, और इधर सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, और अगर निगेटिव इंडेक्स की बात की जाए तो ये जो के है लास्ट में, ये जो के है ये लास्ट में है, इसको -1 कहा जाएगा, और ये राइट टू लेफ्ट की तरफ चलेगा। और जैसे कि के -1 पे हो जाएगा, और जो ई है उसके बगल में वो -2 पे हो जाएगा, फिर -3 एंड सो ऑन, और ये कितना तक जाएगा, माइनस लेंथ तक जाएगा। यानी अगर विवेक जो अक्षर है इसमें टोटल 5 अल्फाबेट है, तो निगेटिव इंडेक्सिंग -1 से लेकर -5 तक जाएगा, लेकिन पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 से लेकर के और कहाँ तक जाएगा, एक कम तक जाएगा। क्यों, 5 ही अक्षर है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 4 तक ही जाएगा, उसमें 5 आ जाएंगे। ठीक है, और -1 से होगा तो बस याद ये रखना है कि पहला जो अक्षर होगा उसका अगर पॉजिटिव इंडेक्स देखा जाए तो 0 होगा, और अगर निगेटिव इंडेक्स देखा जाए तो जो भी उसका लेंथ होगा उसमें माइनस लगा दिया जाएगा। जैसे ये शुरू का अक्षर जो भी है इसका पॉजिटिव अगर देखा जाए तो ये 0 से स्टार्ट हुआ है, I1 होगा एंड सो ऑन होगा। लेकिन अगर निगेटिव देखा जाए तो जो भी है टोटल इसमें 5 अक्षर है, तो भी -5 होगा, और जो आई होगा -4, और फिर से भी जो है वो -3, और ये ई जो है -2, और के जो है -1 पे होगा। समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि किसी पार्ट को निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो निकालने के लिए जनरली क्या करना है, देखिए इंडेक्सिंग आपको बताया जा चुका है कि अगर मान लीजिए किसी एक अक्षर को निकालना है तो क्या करेंगे, उसका इंडेक्स नंबर जो भी होगा उसको राइट करेंगे तो आ जाएगा, ये पहले के क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आज जानेंगे कि किसी एक पार्ट को कैसे स्लाइस करके निकाला जाए। तो देखिए जैसे हमको चाहिए ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट ई के, ठीक है, जो हाईलाइट मैंने किया है, VE, तो VE जो है ये लास्ट वाला, जो लास्ट वाला भी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा, अगर पॉजिटिव इंडेक्स से देखा जाए तो पहला वाला भी 0 पे है, और दूसरा, और आई जो है 1 पे है, और ये जो तीसरे नंबर पे जो भी है ये सेकेंड पोजिशन पे है। तो सेकेंड पोजिशन से लेकर के कहाँ तक है, आपका ई जो है वो फोर्थ, ये आपका थर्ड पोजीशन पे है, और के जो है 5 पोजीशन पे है। तो देखिए अगर हमको भी और ई निकालना है तो देखिए जब भी हम स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है, तो जहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे देखिए ए ए
पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे ये पहले पोजीशन पे है, ये दूसरे पोजीशन पे है, तो जीरो से स्टार्ट होने की वजह से ये जीरो पे हो जाएगा, ये वन पे हो जाएगा और ये टू पे हो जाएगा, यानी कि भी टू पे है, तो हम यहाँ पे टू लिखेंगे, ठीक है। और कहाँ तक चाहिए, हमको ई तक चाहिए, और ई थ्री पे है। तो देखिए, कभी भी जब पाइथन में लास्ट लिमिट की बात होती है तो इसमें क्या होता है, लास्ट लिमिट को वो टच नहीं करता है, यानी अगर हमको दो से स्टार्ट करके और तीन तक चाहिए तो हमको चार लिखना पड़ेगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दूसरे पोजीशन से स्टार्ट करेगा, दूसरा पोजीशन मतलब जीरो से जो स्टार्ट होकर दूसरा पोजीशन, यानी एक्चुअल में वो तीसरे पोजीशन पे स्टार्ट करेगा, समझ में आ गया। यानी ये जीरो पोजीशन पे है, वन पोजीशन पे है, तो यहाँ पे दूसरे पोजीशन से स्टार्ट करके और चौथा जो लास्ट वाला पोजीशन उसको टच नहीं करेगा, तो यानी ये दूसरे से उठ करके तीसरे तक जाएगा। तो इसको जैसे ही एंटर करेंगे देखिए क्या आने वाला है, भी और ई आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये तो समझ में आ गया आपके, लेकिन अगर हम चाहते निगेटिव इंडेक्स तो कैसे किया जाता है, तो निगेटिव इंडेक्स में देखिए यहाँ पे ये के है -1 हो जाएगा, के -1, और ई जो है ये -2, और ये भी है ये -3। तो हम क्या करते हैं -3 से शुरू करते हैं, क्या करते हैं निगेटिव इंडेक्स में, ए -3 से स्टार्ट करते और कहाँ तक जाते, देखिए ये ई जो है -2 है, लेकिन लास्ट वाला को तो वो टच नहीं करेगा, तो हम -1 लिखेंगे, ठीक है, -1। इसका मतलब क्या हुआ कि -3 से शुरू करेगा और -2 जाएगा, -1 को टच नहीं करेगा, यानी हमको जो भी एंड करना होगा उससे एक एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि वो लास्ट वाले पोजीशन को टच नहीं करता, उससे एक कम ही चलता है। स्टार्ट तो उसी पोजीशन से होगा लेकिन जो एंड होगा वो एक कम होगा, समझ में आ गया। तो देखिए, तो यहाँ पे -1 किए, और यहाँ पे तो इसके अनुसार भी अगर देखा जाए तो ये क्या आएगा, VE, यानी कि एक ही स्ट्रिंग को के पार्ट को अगर हमको स्लाइस करना है तो हम उसकी इंडेक्सिंग दो तरह से कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में कर सकते हैं और एक निगेटिव वे में कर सकते हैं। पॉजिटिव वे में यानी पॉजिटिव वे में करेंगे तो पहला जो अल्फाबेट होगा वो जीरो से होगा एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा, और निगेटिव में करेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो होगा वो -1 पे होगा, और इधर फिर उस सेकेंड लास्ट वाला जो होगा वो -2 होगा, और सो ऑन चलता जाएगा पहले पोजिशन पे, और पहला पोजिशन होगा वो माइनस लेंथ होगा, ठीक है, क्लियर। जैसे कि इसका लेंथ क्या है -5 है, समझ में आ गया। अब ये तो समझ में आ गया कि कहाँ से कहाँ तक, हाँ जहां से भी स्टार्ट होगा पहला पोजीशन, ये जो पोजीशन दिखा रहा है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो है -3 ये कौन सा है स्टार्टिंग पॉइंट है, और कॉलन के बाद ये जो है वो कौन सा है इंड पॉइंट है, वो क्या है इंड पॉइंट है, समझ में आ गया। उसी तरह ये 2 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और 4 जो लिखा हुआ है वो क्या है इंड पॉइंट है, समझ में आ गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट को इंक्लूड करेगा और इंड पॉइंट से एक कम चलेगा, यानी ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, जैसे भी आगे बढ़ेगा, ठीक है, वो जब आगे बढ़ेगा आगे की तरफ बढ़ेगा अपना, तो स्टार्ट जहां से करना होगा उसको तो इंक्लूड करेगा लेकिन लास्ट इंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेगा। तो हमको अगर मान लीजिए चौथे तक जाना है तो इंड में हम 5 लिखेंगे, समझ में, एक स्टेप आगे लिखेंगे क्योंकि वो एक कम तक चलता है, स्टार्ट वहीं से करता है। तो ये तो समझ में आ गया कि अगर दो वैल्यू दिया हुआ है इस तरह से कॉलन लगा करके, अगर दो वैल्यू हुआ है तो पहला क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा इंड हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं ना कि उसमें स्टेप भी ऐड करें, मतलब वो एक एक छोड़ करके आगे बढ़े, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सपोज अगर हम चाहते हैं कि वो पहला से लेकर के और चौथा तक को रीड करे, ठीक है, यानी 0 से लेकर के 3 पोजीशन तक को रीड करे, यानी कहाँ तक हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से लेकर के ई तक एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि एक एक अंक एक एक जो पोजीशन है उसको छोड़ छोड़ करके वो एक्सट्रैक्ट करें, तो उसके लिए क्या करेंगे हम एक स्टेप वैल्यू को भी लगाएंगे। तो स्टेप वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसको तो हम डायरेक्ट मुंह से बता रहे हैं और इसमें करके दिखा रहे हैं, लेकिन पेन का हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको पेन वाला वीडियो चाहिए होगा उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो हम अगली बार से वो मार्कर का भी यूज करेंगे और दिखाते भी जाएंगे कि पोजीशन क्या है, ठीक है, क्लियर। और नहीं तो अगर ये वाला अच्छा लग रहा तो ये भी ठीक है, नहीं तो वो वाला भी इंक्लूड कर लेंगे, ओके। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे मान लीजिए हम स्टार्ट करना चाहते हैं 0 पोजिशन से, ठीक है, और कहाँ तक जाना चाहते हैं ई तक जाना चाहते हैं, तो ई आपका किस पे आएगा, ये 0 हो जाएगा, भी आई हो जाएगा 1, फिर भी 2 E3, यानी हमको 4 तक जाना होगा, तो लास्ट पोजीशन क्या करेंगे 4 करेंगे, ठीक है, लास्ट पोजीशन क्या करेंगे 4 करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लगातार ना करे, मतलब हम चाहते हैं कि पहला पोजीशन वाला स्ट्रिंग को स्लाइस करे, दूसरा पोजीशन को छोड़ दे, फिर उसके बाद का स्लाइस करे, फिर उसके बाद का छोड़ दे, तो हम
एक स्टेप दो दो स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट तो एक स्टेप बढ़ ही रहा था, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्टेप वैल्यू 2 लगा देंगे। अब क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट करेगा और आई को छोड़ देगा, वी को स्टार्ट करेगा, ई को छोड़ देगा, यानी इंड पोजिशन जहां भी रहेगा उसको टच नहीं करेगा और एक एक छोड़ता हुआ जाएगा। तो देखिए इसको एंटर करते क्या होता है, देखिए भी हुआ, यानी 0 पोजिशन से स्टार्ट किया, तो 0 पोजिशन पे क्या था, भी था आपका, तो यहाँ से भी ले लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या था, 1 पोजिशन पे आई था, तो क्योंकि यहाँ पे एक एक छोड़ के जाना है, दो स्टेप दिए ना, यानी दो दो स्टेप फानता हुआ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको नहीं लेगा, आई को नहीं लेगा, फिर किसको लेगा, वो जो सेकेंड पोजिशन पे होगा 0 के हिसाब से, तो यानी फिर से भी को इंक्लूड कर दिया, और ई जो है वो थर्ड पोजिशन पे है, और क्योंकि यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 लगा हुआ है, तो एक उछल करके बाहर जाएगा वो, लेकिन तब क्या करेगा, वो लिमिट से बाहर चला जाएगा, ये लास्ट वाला जो 4 लिमिट है उससे बाहर चला जा रहा है, इसलिए क्या है ये उसको इंक्लूड नहीं करेगा, भी और भी किया है। तो सपोज दैट अगर ऐसा करते हैं, कुछ एक लंबा वाला लेते हैं, लंबा में ये कर देते हैं, माई नेम इज UAKUMAR YAVAV, एंटर कर दिए। अब हम चाहते हैं शुरू से लेकर के एक स्टेप तक आगे बढ़ते हैं, पहले इसका लेंथ निकाल लेते हैं, इसका लेंथ निकालते हैं, लेंथ ये कितना लेंथ है देख लेते हैं, 28 इसका लेंथ है, ठीक है, इसका लेंथ 28 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 28 पोजीशन पे होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा तो 27 होगी, ठीक है, तो हम लोग 28 तक ही लेंगे, क्योंकि एक स्टेप कम ही जाना है ना उसको। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए ले लेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे, और चाहते हैं कि तीन तीन लेटर छोड़ करके, यानी पहला लेटर अगर इंक्लूड करें तो उसके बाद फिर तीसरा लेटर, फिर तीसरा लेटर, ऐसे ऐसे करें, तो हम क्या करें, स्टेप वैल्यू 3 दे देंगे। तो पहले कहाँ तक जाना चाहिए, तो 28 ही लिख देते हैं, ठीक है, 28 लिख देंगे, इसका मतलब क्या कि 28 को टच नहीं करेगा, एक कम यानी 27 तक, और वैसे भी 0 से लेकर 27 तक ही होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो 28 कर देंगे, 28 होने की वजह से वो 27 तक चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, स्टेप वैल्यू 3 लगा देंगे और इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एम एन ई जो भी किया हुआ है, पहला पोजिशन पे एम किया हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, एक दो, फिर देखिए वाई हो गया, और स्पेस को भी एक पोजिशन वो काउंट कर रहा है, ठीक है, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है, पहला एम के बाद एन किया है ना, तीसरा पोजिशन एम पहला हो जाएगा, उसके बाद फिर तीसरा, तो पहला हो जाएगा, फिर एक दो तीन एन हो गया, अब एन के बाद फिर तीसरा, तो एक दो तीन ई, तो एन के बाद ई है, इसके बाद फिर तीसरा, तो एक स्पेस हो गया, दो और तीन एस, तो यानी ये तीसरा तीसरा स्टेप चल रहा है, तीन तीन स्टेप चल रहा है, समझ में आ गया। निगेटिव में भी चाहे तो कर सकते हैं, निगेटिव में अगर करना होता तो हम क्या करते, ए कर देते, ठीक है, और यहाँ पे क्या था माइनस, अब ये तो 28 था ना, निगेटिव में तो पूरा लेता है, तो -28 कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे, कहाँ तक जाएंगे, मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये -1 तक जाए, यानी वो -1 वाले लास्ट वाले पोजीशन को लेगा नहीं, -2 तक जाएगा, तो हम क्या करेंगे -1 कर देंगे, चलिए कर देते हैं, ठीक है, और इसके बाद स्टेप क्या लगा दिए हैं, स्टेप कर दिए हैं 3। अब देखते हैं क्या लेता है, यहाँ पे देखते हैं पहले क्या लेता है, ठीक है, जैसे ही एंटर करते हैं देखिए वही चीज ले रहा है, बस यहाँ पे लास्ट वाला नहीं ले रहा है, भी लिया था तो यहाँ पे नहीं लिया, क्यों, क्योंकि हम -1 कर दिए हैं, और -1 कर देने की वजह से क्या हुआ है, वो लास्ट वाला पोजीशन को नहीं ले रहा है, लेकिन उल्टा हो जा रहा है, तीन तीन स्टेप इसमें भी चल रहा है, यानी ये इसमें -28 तो ये वाला होगा, पहला पोजिशन -28 होगा, और इसके बाद तीन तीन स्टेप चलेगा, तो निगेटिव इंडेक्सिंग इस तरीके से की जाती है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग उस तरीके से की जाती है, समझ में आया। चलिए अब एक और चीज देख लेते हैं, मान लीजिए हमको शुरू से लेकर के लास्ट तक लेना है स्लाइस, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा कर देना है, यानी पूरा का पूरा लेना है, तो क्या करेंगे, ए लिख देंगे और इनिशियल पोजीशन दे देंगे, क्या दे देंगे, 0, ठीक है, और लास्ट तक पूरा लेना है तो लास्ट वाला हम देंगे ही नहीं, लास्ट वाला क्या करेंगे, हम देंगे ही नहीं, ऐसे कर देंगे और एंटर करेंगे, देखिए पूरा आ गया, समझ में आया बात, यानी शुरुआत वाला दे दिए, लास्ट वाला नहीं दिए, तो वो शुरू से लेके एकदम लास्ट तक चला जाएगा, ठीक है। अब सपोज दैट कुछ ये करते हैं कि शुरू वाला नहीं देते हैं और लास्ट वाला देते हैं, और ये शुरू वाला दिए थे ना आप, लास्ट वाला, अब ऐसे करते हैं कि ए कर देते हैं, ठीक है, और ये छोड़ देते हैं, और क्या कर देते हैं इसमें, और लास्ट वाला क्या रहेगा आपका, 0 से स्टार्ट होगा तो 28 कर देते हैं, ताकि एक पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिखाता है, देखिए
ये समझ में आया? यानी ये पहला वाला नहीं दिए हैं तो लास्ट वाला कर देंगे, और शुरू वाला ब्लैंक छोड़ देंगे तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ले लेगा, और स्टार्टिंग वाला देंगे तो वहां से स्टार्ट करके लास्ट तक लेगा। तो यहाँ तो दोनों में एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम स्टार्टिंग पॉइंट 0 लिए हैं। सपोज दैट क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हम मान लीजिए 2 ले लेते हैं, 2, और लास्ट पॉइंट नहीं लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 से स्टार्ट करेगा दूसरी पोजिशन से और लास्ट तक चला जाएगा। एंटर कीजिए, देखिए दूसरे से स्टार्ट किया है और लास्ट तक चला गया है, यहाँ पे देख लीजिए। अब इसी तरह से क्या करते हैं, ए है ठीक है, और हम क्या करते हैं कि शुरू वाला नहीं देते हैं, और कहाँ तक देते हैं इसको, 28 करेक्टर, तो 27 दे देते हैं मान लीजिए, सपोज दैट 25 दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, शुरुआत से 25 तक चला जाएगा, क्योंकि शुरू वाला वैल्यू नहीं दिया गया तो एकदम स्टार्टिंग से देगा। ठीक है, देखिए चला गया, समझ में आया? तो ये था स्लाइसिंग, और आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी इंप्रूव हुआ होगा, नॉइज नहीं आ रहा होगा, बीच में कॉल आया था उसको हम एडिट नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, बिना मतलब का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो, उसकी क्वालिटी अच्छी लगी हो, क्योंकि लैपटॉप से भाई खर्चा हुआ है, तो देखिए पसंद आया हो तो बताइएगा। और साथ ही साथ वो जो मार्कर से हम लिख करके बता रहे थे, अगर वो वाला स्टाइल भी चाहिए होगा तो इसमें मैं लिख करके भी बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक आदमी भी कमेंट करेगा चलेगा, हम उसका भी सुनेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपको यूजफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। लैपटॉप का ही वेट कर रहे थे इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है, लैपटॉप आ गया है। अब देखिए, अब इस सीरीज में हम फोटो एडिटिंग एडोब का शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, फोटो एडिटिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो उस वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा, इसी पे आएगा। और साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है SNMD क्लासेस, SNMD क्लासेस, यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, SNMD, ठीक है, इस पे मैं मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, क्लास 10th की, तो इसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और बाय बाय।